स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मेरा नाम है मोनिका। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तमिलनाडु के एरोड में एंड्योर इंडियन डेमोक्रेटिक यूथ एसोसिएशन ने किया विरोध। एंड्योर में सन फैमिली क्लब नामक संगठन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जनता से पैसे की धोखाधड़ी में शामिल था। सन फैमिली क्लब एरोड जिले के भवानी रोड एंड्योर में काम कर रहा था। एंड्योर पुलिस स्टेशन एंड्योर डेविटप्पलयम में एक मामला दर्ज किया गया है कि कंपनी गरीब युवाओं और युवतियों को भर्ती करने का लालच देती है और सार्वजनिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से पैसे और दिवाली वाउचर इकट्ठा करती है और निजी कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश देने के लिए कमीशन देती है। एक प्रदर्शन आयोजित किया गया था। क्षेत्र से दिवाकर और लता की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ितों को पैसा लौटाने की कार्रवाई करने की मांग की। इंडियन डेमोक्रेटिक यूथ एसोसिएशन के तालुक प्रभारी सेबेस्टियन के नेतृत्व में सन फैमिली क्लब के सामने विरोध नारे लगाए गए। विरोध प्रदर्शन में इंडियन डेमोक्रेटिक यूथ एसोसिएशन और सहयोगी संगठनों के 50 से अधिक लोग शामिल हुए। तमिलनाडु से संवाददाता सुब्रमानी की रिपोर्ट। உடனடியாக கைது செய்யும் தமிழக அரசு